हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। आज नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको फैब्रिक पेंटिंग में पिलो कवर पेंट करना सिखाऊंगी। पहले तो हमने कपड़े को शिलिंग किया, उससे कल्फ वगैरह निकाल दी, उसे ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद हमने उसे बनाना स्टार्ट किया। कलर में हमने उसे पतला करने के लिए बाइंडर का इस्तेमाल किया। बाइंडर भी एक लिक्विड होता है वाइट कलर का, उससे कलर पतला हो जाता है। फिर हमने मैरून कलर लिया। अगर आपके पास मैरून नहीं है तो सुरख में हल्का सा काला मिला के उसे ब्रश की मदद से मिक्स कर लें और फिर फूल बनाना स्टार्ट करें। अगर आपके पास मैरून कलर नहीं है, आप सुरख को ही पहले लगाएं पत्ती के स्टार्ट में और फैलाना शुरू करें। फिर काला कलर लेके पत्ती के एंड में हल्का सा मिला के ताकि कलर ब्लैक वाजिया ना हो, मैरून बन जाए, उसे लगा के हल्का सा मिक्स करके ऊपर को ब्रश की मदद से यूँ चलाएं। देखें, लग तो कहीं नहीं रहा कि हमने ब्लैक कलर किया है, ये मैरून शेड ही है। हल्का से यूं लगाया और उसे ब्रश की मदद से फैलाया। इस तरह ये फूल मुकम्मल किया। सेम तरीके से और सब्ज़ हमने पत्ते बनाए हैं। पत्तों में हमने येलो और ग्रीन का टच दिया है। अगर आपके पास ऐसा बारीक ब्रश है तो फिर आप पहले ग्रीन शेड लगाएं और बाद में पीला रंग लेके उसे पीला और ब्राउन पत्तों में शेड करें। अगर आपके पास मोटा ब्रश है तो आप कलर प्लेट में दोनों कलर इकट्ठे मिला लें और एक ही बार में यूँ ब्रश पत्ता बन जाता है। यूँ हम ब्रश को रखेंगे और पत्ता बन गया। ये जो बारीक आउटलाइन है ये ब्राउन है, ये हम ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। अगर ब्रश से आपसे अच्छे से नहीं लग रही, मोटी हो रही है, तो आप टूथ पिक लें, उससे बारीक लाइनें लगा लें डंडी। ये देखें, ये एक पूरा कॉर्नर में फूल है। और मैंने इसके ऑपोजिट भी एक फूल बनाया है। ये देखें, ये पूरा तकिए का कवर बन गया है। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।